हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए सांभर की रेसिपी लेके आई हूँ। जो आज हम सांभर बनाने जा रहे हैं वो बहुत जल्दी बनने वाला सांभर होगा। तो इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो रहेगा, सबसे पहले दाल, ये है अरहर की दाल या जिसको तुअर की दाल भी बोला जाता है, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ आपको वेजिटेबल्स में घिया कंपल्सरी है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कद्दू ले लिया या जिसको पम्पकिन भी बोला जाता है। उसके साथ फलियाँ ले ली हैं, लंबी लंबी काट ली हैं। साथ में आपको प्याज की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने एक प्याज जो है वो पतला पतला काट लिया, देख सकते हो आप। वैसे एक टमाटर ले लिया जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया, ये देखिए आप देख सकते हैं। वैसे आपको मैंने यहाँ पे तीन मिर्चियाँ ले लिया जिनको लंबा लंबा काट लिया। उसके साथ आपको इमली का रस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इमली को पानी में भिगो के रख लिया। आपको सांभर मसाला की ज़रूरत पड़ेगी, बिना सांभर मसाला के आप सांभर नहीं बना पाओगे, तो आपको ये ज़रूरी है। इसके साथ आपको हींग की ज़रूरत पड़ेगी तड़के के लिए। और मसालों में रहेगा हल्दी, नमक, राई, मेरे पास कूटी राई है, अगर आपके पास साबुत राई हो आप वो भी ले सकते हो। उसके साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी जीरा की और गर्म मसाले की। तो आप प्रेशर कुकर ले लीजिए, गैस ऑन कर लीजिए। अब इसमें जाएगा ऑयल, कम से कम 2 से 3 चम्मच मैंने डाल लिया। अब इसको गर्म होने देंगे। जो मैं ऑयल यूज़ करी वो सरसों का है। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसके अंदर आपके जाएंगे प्याज। अब इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो अब प्याज जो है वो आपके फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स डाल लेंगे, अपना घिया, पम्पकिन, फलियां, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे 1 मिनट के लिए। तो सब्जियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर जाएगी आपकी दाल अरहर की, सारी डाल दीजिएगा। अच्छे से डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर जाएंगे आपके मसाले, और मसालों में जाएगा पहले हल्दी, गरम मसाला, और आपका नमक स्वाद अनुसार, और इसके अंदर अब आपके जाएंगे टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कीजिएगा और इसको अब ऐसे ही पकने दीजिए। अब सारी वेजिटेबल्स आपकी दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और मसाले भी। अब इसके अंदर जाएगा आपका 2 चम्मच सांभर मसाला। सांभर मसाला डालना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सांभर का टेस्ट नहीं आएगा। अब डालने के बाद इसके अंदर जाएगा आपका पानी, और पानी इतना डालिएगा कि आपकी जो सारी दाल है वो पानी में सोख हो जाए पानी। तो अब आप देख सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मिक्स करने के बाद हम इसको विसल प्रेशर कुकर को बंद करके कम से कम 5 विसल तक पका लेंगे। पांच विसल आ चुकी हैं हमारी। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, और उसके बाद हम अपना प्रेशर कुकर खोल लेंगे। तो 5 विसल आ चुकी थी, अब मैंने ठंडा कर लिया अपना कुकर, तो मैं खोल लूँगी इसको। तब आप देख सकते हैं जो आपका सांभर है, दाल है, वो पक चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से आपकी वेजिटेबल्स और जो दाल है वो पक चुकी है। अब हम इसको अच्छे से एक बारी कड़छी की हेल्प से मैश कर लेंगे, ताकि जो आपकी वेजिटेबल्स और दाल है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। कम से कम 2 मिनट के लिए सारी की सारी सब्ज़ी और दाल को अच्छे से मैश कर लीजिएगा। तो अब मैश होगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने इमली का रस, तो इमली का रस डाल देते हैं। अच्छे से डाल दीजिएगा। अब डालने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद आप अपनी गैस ऑन कर लीजिएगा और इसको एक गड़क तक फिर से पका लीजिएगा। तो गड़क आ चुकी है, अब हम इसको बंद कर लेंगे। तो मैंने बंद कर दिया। अब हम इसका बनाएंगे तड़का सांभर का। तो तड़का बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है,
अब उसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। अब इसको गर्म होने देंगे ऑयल को, और उसके अंदर आपका जाएगा हींग। हींग डाल दीजिए। अब हींग डालने के बाद इसके अंदर जाएगा आपका जीरा और राई, और इसके अंदर जाएगी आपकी मिर्ची, और इसको एक मिनट के लिए पका लीजिए। तो आपका जो तड़का है वो बन चुका है। अब हम गैस बंद कर लेंगे। तो अब आपका ये तड़का जाएगा आपके सांभर में। अब आप मिक्स कर लीजिए अपने तड़के को सांभर में, और जो आपका सांभर है वो बन चुका है सर्व करने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलेगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल को।